दोस्तों टेक्निकल जंक्शन के लेटेस्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूं टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के कुछ लेटेस्ट और कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में। तो अगर आप भी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के पल पल के खबरों से रहना चाहते हो अपडेट, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं लाता हूं आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही डिटेल में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहल, आप देख रहे हैं टेक्निकल जंक्शन। तो चलिए टेक दुनिया में। दोस्तों आज की पहली अपडेट है इंडिया में डेवलप किए गए पहले माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सबसे बेसिक कंपोनेंट्स में से एक होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फंक्शन नहीं कर सकता। लेकिन सैड की बात यह है कि इंडिया में जितने भी माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं, फिर चाहे वो इंडिविजुअल यूज के लिए हो या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप उसको यूज करते हो, वो सारे माइक्रो प्रोसेसर इंडिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। मतलब बाहर की कंट्रीज से हम उसको मंगाते हैं, इंडिया में कोई भी माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चर नहीं होता है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में हमें माइक्रो प्रोसेसर एक्सपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आईआईटी मद्रास ने इंडिया का पहला पूरी तरीके से भारत में मैन्युफैक्चर किया गया माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया है और ये स्मार्टफोन्स और अलग अलग कंप्यूटिंग डिवाइसेस में यूज किए जा सकेंगे। दोस्तों इस माइक्रो प्रोसेसर का नाम रखा गया है शक्ति, और इस शक्ति माइक्रो प्रोसेसर को इंडियन डिफेंस, इंडियन गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसी, साथ ही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी यूज किया जा सकता है आने वाले दिनों में। दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट है वो है एक अनोखे फोन के बारे में, जहां पे आपको उस फोन में सामने की ओर मिलता है कंप्लीट बेजललेस डिजाइन, जहां पे आपको कोई भी नॉच या फिर कोई भी चिन्ह नहीं मिलेगी। ये अनोखा नहीं है, लेकिन अनोखी बात यह है कि इस फोन में सामने बेजललेस डिस्प्ले के साथ साथ आपको पीछे भी एक फुल फीचर डिस्प्ले देखने को मिलेगा। दोस्तों चाइनीज स्मार्टफोन मेकर नूबिया ने चाइनीज मार्केट में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है जिसका नाम है नूबिया एक्स, और इस नूबिया एक्स में आपको सामने मिलता है 6.26 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले, और साथ ही साथ इस फोन में पीछे भी आपके लिए है एक 5.1 इंच का HD प्लस डिस्प्ले। दोस्तों यहाँ पे खास बात यह है इस फोन की कि इस फोन में कोई भी फ्रंट कैमरा नहीं है। सेल्फी के लिए आप रियर कैमरा के साथ जो स्क्रीन प्रोवाइड किया गया है 5.1 इंच का, आप उसको यूज कर सकते हो और सेल्फी क्लिक कर सकते हो। दोस्तों अगर इस फोन के दूसरे स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इस फोन में आपको मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर, जो कि एक फ्लेक्सिबल ग्रेड का प्रोसेसर, और इसको कपल किया गया है 6GB और 8GB के रैम के साथ। दोस्तों साथ ही अगर इसके कैमरा ऑप्शंस की बात करूं तो इस फोन में आपको मिलता है 16+24 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप, जहां पे अपर्चर है 1.8 की। और पहले ही बताया मैंने आपको इस फोन में कोई भी सेल्फी कैमरा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन टेक्निकली आप पीछे वाली स्क्रीन के मदद से रियर कैमरा से आप सेल्फी क्लिक कर सकते हो इस फोन में। दोस्तों ऐसा कोई भी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक किसी भी स्मार्टफोन में नहीं किया गया है। डुअल डिस्प्ले वाले फोन पहले भी आए, लेकिन वहां पे जो पीछे वाला डिस्प्ले होता था वो बहुत ही छोटी होती थी। उन डिस्प्लेस का यूज सिर्फ नोटिफिकेशंस और टाइम देखने के लिए किया जाता था, लेकिन एक फुल फीचर डिस्प्ले, 5.1 इंच का बैक डिस्प्ले, 5.1 इंच के डिस्प्ले के तो पहले फोन आया करते थे, और उतनी बड़ी डिस्प्ले जो डुअल डिस्प्ले है, ये पूरी तरीके से एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। और देखते हैं जब ये फोन मार्केट में आता है तो यूजर्स इसके लिए कैसा रिएक्ट करते हैं, और जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस फोन के बारे में कितना सोचते हैं, वो इस तरह के फोन मैन्युफैक्चर करते हैं या नहीं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है इंडिया के फास्टेस्ट 4G नेटवर्क प्रोवाइडर से रिलेटेड। दोस्तों नेटवर्क रिसर्च कंपनी ओपन सिग्नल ने नवंबर महीने का मोबाइल नेटवर्क एक्सपीरियंस रिपोर्ट पब्लिश किया है, जिसके मुताबिक डाउनलोडिंग स्पीड के मामले में एयरटेल इंडिया की सबसे फास्टेस्ट 4G नेटवर्क बनकर उभरी है, जहां पे आपको मिलता है 7.5 Mbps का डाउनलोडिंग स्पीड। दूसरे नंबर पे आता है रिलायंस का जियो, जहां पे आपको मिलता है 5.4 Mbps का डाउनलोडिंग स्पीड। 5.2 Mbps के डाउनलोडिंग स्पीड के साथ इस लिस्ट में वोडाफोन है तीसरे नंबर पे, और इस लिस्ट में चौथे नंबर पे है आइडिया 2.70 Mbps के डाउनलोडिंग स्पीड के साथ। वहीं पर अगर अपलोडिंग स्पीड की बात करूं तो 3 Mbps की अपलोडिंग स्पीड के साथ इस लिस्ट में टॉप किया है आइडिया कम्युनिकेशंस ने। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है Lenovo Z5 Pro के बारे में। दोस्तों Lenovo ने अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन Lenovo Z5 Pro लॉन्च कर दिया, और इस फोन में कई सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों Lenovo Z5 Pro एक कंप्लीट बेजललेस डिजाइन वाला फोन है, जहां पे आपको सामने सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन मिलेगा, और यहाँ पे आपको कोई भी फ्रंट कैमरा या फिर कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस फोन का जो फ्रंट कैमरा और जो कुछ सेंसर्स होते हैं फ्रंट कैमरा के साथ, वो लगे हैं एक कैमरा स्लाइडिंग पैनल पे, जिसके बारे में Lenovo का ये कहना है कि आप उस स्लाइडिंग पैनल को 3 लाख से भी ज्यादा बार स्लाइड इन और स्लाइड आउट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। साथ ही इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी यूज किया गया है। इसका मतलब है कि आपको फिजिकली कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर Lenovo Z5 Pro पे देखने को नहीं मिलेगा, आपको सिंपली उस फोन के डिस्प्ले पे करना है टैप और आपका फोन हो जाएगा अनलॉक। अब इस फोन के अगर दूसरे सारे स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इस फोन में आपको मिलता है 6.4 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि रन करता है एंड्रॉइड 8.1 ओडियो पे। दोस्तों इस फोन में जो प्रोसेसर है वो है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 710, साथ ही इसको कपल किया गया है 6GB के रैम के साथ, और यहां पे आपको दो मेमोरी वेरियंट मिलेंगे, पहला है 64GB और दूसरा है 128GB का वेरियंट। और इस फोन के अगर कैमरा ऑप्शन की बात करूं तो इस फोन में आपको पीछे
और सामने दोनों जगह डुअल कैमरा देखने को मिलेगा, जहां पे आपको 16+24 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा मिलता है जिसकी अपर्चर है 1.8 और सामने इस फोन में सेल्फी के लिए है 16+8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। दोस्तों इस फोन के अगर प्राइसिंग की बात करूं तो लेनोवो ने इस फोन की बहुत ही अग्रेसिव प्राइसिंग की है। इस फोन के 6GB और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की चाइनीज मार्केट में प्राइस है 1999 युआन, जो कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के बाद रफली होता है 21,400 रुपए। वहीं पे जो 6GB और 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस है चाइनीज मार्केट में 2,299 युआन, जो कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के बाद होता है 24,400 रुपए। दोस्तों इस तरह की प्राइसिंग से और जैसे इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, कंप्लीट बेजल डिजाइन, कैमरा स्लाइडर, 21,000 रुपए बहुत ही अग्रेसिव प्राइसिंग है। देखते हैं जब ये इंडिया में लॉन्च होता है तो ये कैसा मार्केट ग्रोथ कर पाता है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है सैमसंग गैलेक्सी S10 के लेटेस्ट लीक्स के बारे में। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S10 कुछ अपने साथ बहुत ही बड़ा करने वाला है और जितने भी लीक्स इसके सामने आए हैं उनसे भी ऐसा लगता है कि सैमसंग गैलेक्सी S10 में सैमसंग कुछ अलग फीचर्स देने वाला है। दोस्तों जो लेटेस्ट खबरें आई हैं उसके मुताबिक सैमसंग गैलेक्सी S10 में 94% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होने वाला है। इसको आप ऐसे समझो, थोड़े दिन पहले आपको याद होगा ओप्पो ने ओप्पो फाइंड एक्स नाम से एक नया फोन लॉन्च किया था। उस फोन में मोटराइज्ड कैमरा पैनल था जहां पे फ्रंट कैमरा और सेंसर्स लगे थे, इसलिए सामने उस फोन में सिर्फ स्क्रीन था और उस फोन की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो थी 93.4%। और उससे भी ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको मिलने वाला है सैमसंग गैलेक्सी S10 में। मतलब आप सोच लो कि वहां पे कितने पतले बेजल्स होंगे और चिन और ऊपर तो कोई नॉच होने वाला ही नहीं, आपको सामने सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन ही मिलेगा। साथ ही सैमसंग गैलेक्सी S10 5G कंपैटिबल भी होगा और हो यह सकता है कि क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी S10 लॉन्च होने वाला है 2019 के पहले क्वार्टर में, तो मे बी सैमसंग गैलेक्सी S10 दुनिया का पहला 5G कंपैटिबल डिवाइस भी हो सकता है। दोस्तों देखते हैं सैमसंग गैलेक्सी S10 जब 2019 में लॉन्च होता है तो ये अपने साथ कौन कौन से नए फीचर्स लाता है और मार्केट में कैसा परफॉर्म करता है। दोस्तों आज के लिए जो नेक्स्ट अपडेट है और जो लास्ट अपडेट है वो है व्हाट्सएप से रिलेटेड। दोस्तों व्हाट्सएप अभी तक कंप्लीटली एड फ्री प्लेटफॉर्म हुआ करता है, लेकिन 2019 में इसमें चेंजेस होने वाले हैं। 2019 से इसमें भी आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको फेसबुक और दूसरे सारे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर देखने को मिलता है। अभी तक ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, अभी तक ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि शायद 2019 में व्हाट्सएप पे एडवर्टीजमेंट आएंगे, लेकिन कल व्हाट्सएप के वाइस प्रेसिडेंट क्रिस डैनियल्स ने सारी अफवाहों पे विराम लगा दिया। उन्होंने ऑफिशियली ये कहा है कि 2019 में व्हाट्सएप के स्टेटस सेक्शन, जहां पे अभी फोटो, GIF और जो वीडियोस हैं वो अपलोड किए जाते हैं जिसकी वैलिडिटी होती है 24 घंटे, उस सेक्शन में व्हाट्सएप के स्टेटस सेक्शन में 2019 के पहले क्वार्टर से एडवर्टीजमेंट डाला जाएगा। मतलब साफ है कि व्हाट्सएप का जो एक्सपीरियंस है वो बदलने वाला है, ये एड फ्री से एक एड वाला प्लेटफॉर्म होने वाला है। दोस्तों आप क्या सोचते हो व्हाट्सएप के एड्स के बारे में, बताना जरूर नीचे कमेंट में। दोस्तों टेक्नोलॉजी अपडेट्स के आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक या फिर शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या फिर सुझाव हो टेक्नोलॉजी रिलेटेड, मेरे रिलेटेड, मेरे चैनल रिलेटेड, तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए रोजाना लेके आता रहता हूं।